नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से वैसलीन का एक ऐसा उपाय बताएंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, बाल हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। हमारे शरीर में केवल बाल ही एक ऐसी चीज है जिससे सुंदरता बढ़ती है और कम भी होती है। यदि हमारे शरीर के कुछ हिस्सों पर बाल अधिक हो जाते हैं, जैसे पलके, आईब्रोज, तो महिला की सुंदरता बढ़ जाती है। लेकिन वही बाल अगर शरीर के अनचाहे हिस्सों में आने लग जाए तो इससे महिलाओं की सुंदरता कम हो जाती है। कुछ लोग तो इन अनचाहे बालों को हटवाने के लिए अनेक उपायों का सहारा लेते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें राहत नहीं मिलती। कुछ लोग बालों को हटाने के लिए वैक्सिंग का सहारा लेते हैं, जो एक दर्दनाक प्रक्रिया होती है और साथ ही इससे कई समस्याएं हो सकती है। आज हम आपको एक ऐसा घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं जिसे अपनाने से आपको दर्द भी नहीं होगा और इससे समस्या जड़ से खत्म हो सकती है। इस उपाय को करने में आपको सबसे पहले एक कटोरी में बेसन, हल्दी और थोड़ा सा दूध लेना होगा। इसके बाद आपको इसमें एक चम्मच वैसलीन मिलाकर एक पेस्ट बनाना होगा। इस पेस्ट को तैयार करने के बाद शरीर के उस हिस्से पर लगाएं जहां पर आपके अनचाहे बाल उपस्थित हैं। इस पेस्ट के इस्तेमाल से आपका चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा। इसके अलावा आप दूसरा उपाय भी कर सकते हैं, जिसमें आप पपीते के छोटे छोटे टुकड़े काट लें, इसे अच्छी तरह से पीस लें। इसके 2 चम्मच पेस्ट में आधा चम्मच हल्दी मिला लें और इस पेस्ट को करीब 14 मिनट तक चेहरे पर मसाज करें। इस उपाय को हफ्ते में कम से कम 2 बार करें। हम आपको बता दें कि हल्दी हमारे चेहरे के लिए काफ़ी अच्छी होती है। इस उपाय को करने से आपके शरीर के अनचाहे बाल हट जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी जो आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। हमारी ऐसी ही अन्य जानकारियों को हासिल करने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।